कॉमन सिविल कोड पर पीएम मोदी के बयान के बाद दिल्ली में अचानक हलचल तेज हो गई है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यूसीसी के मुद्दे पर 15 जून से ही 22वें लॉ कमीशन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहां ऑनलाइन आम लोगों की राय मांगी जा रही है। वहीं पीएम मोदी के बयान के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इमरजेंसी मीटिंग की। 3 घंटे तक चली मैराथन बैठक में पीएम के बयान के मायने तलाशे गए। साथ ही बैठक में यह तय किया गया कि बोर्ड लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मुलाकात करके एक ड्राफ्ट सौंपेगा, जिसमें शरीयत के जरूरी हिस्सों को ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा, उसका जिक्र होगा। वहीं यूसीसी के मुद्दे पर विपक्ष भी बुरी तरह से बेफर गया है। यूसीसी पर देश में हिंदू मुसलमान। 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। यूसीसी आएगा, विपक्ष की मुश्किल बढ़ाएगा। भारत के संविधान में प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी का संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, आप कैसे उसको छीन लेंगे मुझसे आप। 2024 के चुनाव से पहले मोदी का मास्टर स्ट्रोक। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। देश में एक बार फिर कॉमन सिविल कोड पर जोरदार घमासान शुरू हो गया है। भोपाल में पीएम मोदी ने पहली बार यूसीसी पर खुलकर बात की। पीएम के बयान से साफ हो गया कि मोदी सरकार जल्द ही यह कानून ला सकती है। मोदी ने कहा कि अगर एक घर में दो कानून नहीं चल सकते, तो फिर एक देश में दो कानून कैसे चल सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में दिन में यूसीसी के मुद्दे को उठाया, देश के लिए कॉमन सिविल कोड को जरूरी बताया। उसके बाद दिल्ली हरकत में आ गई। गृह मंत्री अमित शाह से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुलाकात की। सूत्रों के माने तो दोनों के बीच यूसीसी के मुद्दे पर विस्तार से बात हुई। देश में इस वक्त यूसीसी को लेकर 22वें लॉ कमीशन ने प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें 22 जून से आम लोगों की राय मांगी जा रही है। लोग यूसीसी के मुद्दे पर 30 दिन तक राय भेज सकते हैं। भोपाल में पीएम मोदी ने वही कहा जो सुप्रीम कोर्ट काफी पहले से कह रहा है। मोदी ने उस कानून की वकालत की जिसको दुनिया के कई देश फॉलो कर रहे हैं। मोदी ने कहा, जो लोग आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, वो इसी तरह ट्रिपल तलाक को इस्लाम का जरूरी हिस्सा बताकर उसे खत्म करने का विरोध कर रहे थे। इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है, और इजिप्त में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया, हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? पीएम मोदी ने ये बातें बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में कही।
लेकिन पीएम में सबको 2024 का चुनाव दिखने लगा। मोदी के बयान पर सबसे पहले धर्म के नाम पर सियासी तकरीरें देने वाले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि पीएम वोट पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी ने UCC के सहारे पीएम मोदी पर सवालों की झड़ी लगा दी। ओवैसी ने पूछा कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट खत्म हो जाएगा, क्या मोदी अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली एक्ट खत्म कर देंगे, क्या ईसाइयों और दूसरे जनजातियों की परंपराओं पर पाबंदी लगा दी जाएगी। भारत के संविधान में प्लुरलिज्म डाइवर्सिटी का संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, आप कैसे उसको छीन लेंगे मुझसे? आप रमजान खबर शमशान खबरस्तान है? कपड़े देख कर इनको आइडेंटिफाई करो, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था। आप धर्म विशेष की बात कर रहे भाई, एक मुसलमान MP आपके पास नहीं है लोकसभा में, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है आपके पास। तो मकसद एक ही है कि भारत के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को, भारत के प्रधानमंत्री को एलर्जी है प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी से। ओवैसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी पीएम मोदी के बयान में सियासत दिखी। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू सिख ईसाई बौद्ध जैन सभी धर्मों के लोग प्रभावित होंगे, इसलिए सरकार को कानून थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? बस हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, वो तो रूढ़ी परंपरा के हिसाब से उसके नियम है, उससे गवर्न होते हैं। अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? तो ये केवल एक चीज नहीं है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें, बहुत सारे जातियां हैं जिसकी अपनी परंपरा है, उसके हिसाब से वो गवर्न करते हैं और संविधान में भी उसको कहीं न कहीं उसको मान्यता मिलती है, तो उन सब चीजों को हमको देखना पड़ेगा। पीएम मोदी के बयान के बाद विपक्ष के साथ मौलाना मौलवी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सभी का पारा 7वें आसमान पर तमतमा रहा है। हालत ऐसी हो गई कि आनंद फानन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इमरजेंसी बैठक बुला ली। 3 घंटे तक प्रधानमंत्री के बयान का मतलब निकाला जाता रहा और मीटिंग में फैसला लिया गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगा। बोर्ड से जुड़े लोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना ड्राफ्ट लॉ कमीशन को देगा। शरीयत के जरूरी हिस्सों का ड्राफ्ट में जिक्र होगा। प्राइम मिनिस्टर ने एक तो जिस मौके पर ये बात कर रहे हैं उनके लिए ये हरगिज उचित नहीं है, एक डेमोक्रेसी के लिए, एक डेमोक्रेसी की हेड के लिए, कि वो इस तरह से लॉ कमीशन को इम्प्रेस करने की, उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि लॉ कमीशन लोगों से राय ले रहा है, तो उसको प्राइम मिनिस्टर ने मुतासिर करने की कोशिश की है, उसको इन्फ्लुएंस किया है, उसको प्रभावित किया है। ये आप खुद समझ लें कि कितना उचित है लीगली मॉरली और हमारी जो देश की इमेज है, वैसे ही हमारा मुल्क जो है इस बात के लिए बदनाम हो रहा है कि यहाँ पर जो है माइनॉरिटीज के साथ और क्या मामला हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड UCC के मुद्दे पर बकरीद के बाद फिर मीटिंग करेगा जिसमें आगे की प्लानिंग होगी। वहीं विपक्ष और मुस्लिम संगठन BJP पर मुसलमानों से भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मोदी ने कहा कि वो हर तबके के लिए काम कर रहे हैं। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। UCC पर ममता बनर्जी भी बोली, मोदी सरकार को 6 महीने का मेहमान बताया। आज हम अपना मुंह बंद करके चुप नहीं बैठ सकते। BJP के पास अब सिर्फ 6 महीने बचे हैं। वो अब सिर्फ 6 महीने और केंद्र में रहेगी। अगले साल फरवरी मार्च में लोकसभा चुनाव होंगे। अगर मैं भारत को जानती हूँ तो मुझे यकीन है BJP का सफाया हो जाएगा। आप कुछ मुसलमानों की तस्वीर दिखाकर कह रहे हैं कि मैं अल्पसंख्यकों से कितना प्यार करता हूँ। आपने तो अल्पसंख्यकों को पीट पीट कर मारा है, दलितों को पीट पीट कर मार डाला गया। इस बीच अमेरिका में अपना प्रचार करने और रूस में अपना नाम चमकाने के लिए गए थे, और जिस देश में आप गोली मार रहे हैं और हत्या कर रहे हैं उस देश में आप NRC लागू कर रहे हैं।
पंचायत चुनाव के बीच ममता बनर्जी ने यूसीसी के सहारे मोदी सरकार को निशाने पर लिया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। देश के लिए जैसे 370 को हटाया मोदी जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना का पूरा किया, ये यूसीसी भी देश का डिमांड है। इसके लिए मोदी जी बोलने का बात तो ये हम लोग का मन का बात, पूरा देश के जरूरत है, ये बंगाल में नहीं पूरा देश में जरूरत है। बंगाल में तो जरूरत है ममता जी को हटाना। यूसीसी अभी आया नहीं है लेकिन मुस्लिम संगठनों और विपक्ष ने अभी से खौफ का माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इसे एंटी मुस्लिम ठहराने का नैरेटिव बनाया जा रहा है जिससे 2024 में मुस्लिमों का वोट हासिल किया जा सके। लेकिन पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि अब एक घर में दो कानून नहीं चल सकते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।